हे गाइस, क्या चल रहा है? आशा करते हैं गाइस डूइंग वेल, अच्छे से ध्यान रख रहे हो। अपना स्वागत है एक नई वीडियो में। तो यार, इस वीडियो में मैं कुछ और बनाने वाला था, बट सडनली मेरे एक दोस्त ने मुझे कॉल किया एंड ही सेड लाइक, भाई मुझे ना एक अच्छा सा गिटार का कनेक्टिंग जैक चाहिए एम से कनेक्ट करने के लिए, तो मैं कहाँ से खरीदूँ? तो आई वी लाइक, तुम ऑनलाइन ले लो या फिर दुकान जाकर खरीद लो। बट वो जब दुकान में जाकर पूछा तो उसको बताया अच्छे जैक का प्राइस 600, 650, 400। एंड आई बी लाइक, इतना प्राइस भाई, मतलब कैसे लूटते हैं यार लोग। मतलब खैर, वो कंपनी का रिटेल का प्राइस हो सकता है, आई डोंट नो, बट उसको बनाना बहुत इजी है। आप मत खरीदो, मैं तो बोलता हूँ आप सब लोग घर में बनाओ। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में कुछ नहीं जानते फिर भी आप बनाओ, कोई ज़रूरत नहीं है खरीदने का। आपका बहुत अच्छा से अच्छा, खूब ज़्यादा से ज़्यादा आपको 100 रुपया से 150 रुपया तक खर्चा होगा, आपका बहुत अच्छा जैक बन जाएगा घर में। सो आपको पता है क्या क्या चाहिए उसको बनाने के लिए? लेट मी शो यू। तो गाइस, इसको बनाने के लिए, गिटार जैक केबल को बनाने के लिए सबसे जो दो मेन इंग्रेडिएंट है हम लोग का रेसिपी का, वो है ये 6.35 mm का जैक। इस ये आपको दो चाहिए, ठीक है? और आपको मोनो जैक चाहिए, क्योंकि गिटार में मोनो आउटपुट होता है, स्टेरियो नहीं होता। ओके, तो मोनो जैक चाहिए। आप स्टेरियो मत खरीद लेना दुकान जाके, मोनो ही चाहिए आपको, ठीक है? दो मोनो जैक चाहिए आपको। ये करीब आपको दोनों 40 रुपये के आसपास मिल जाएगा दोनों, और अच्छा क्वालिटी का। और ये जो आपका ये वायर है, ये सबसे मेन इंग्रेडिएंट है, क्योंकि ये जो वायर है इसी के ऊपर वायर जो ऑडियो क्वालिटी है वो डिपेंड करता है। आप देख सकते हो इसकी इंसुलेशन कितना मोटा है, और ऊपर एक शील्डिंग दिया हुआ है कॉपर का, और सब जो है वायर सब कॉपर का है, सिल्वर वायर आप मत लीजिएगा। तो ये वायर मैंने 3 मीटर लिया है, मुझे थोड़ा लंबा चाहिए था, इसलिए वायर लंबा चाहिए था, डोंट टेक इट अदरवाइज। तो ये वायर मुझे थोड़ा लंबा चाहिए था इसलिए मैंने 3 मीटर का वायर लिया है। तो ये वायर मुझे करीब पड़ा है 110 या 120 रुपये का, आई कैन रिमेंबर। तो ये वेरी कर सकता है प्लेसेस टू प्लेसेस। तो इसको पूरा जो सेटअप है इसको बनाने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा 150 रुपया खर्चा होगा। तो 150 रुपया में आपको एकदम हाई क्वालिटी ऑडियो जैक केबल मिल जाएगा। तो ये जो केबल है इसके ऊपर मैं इतना क्यों फोकस करने बोल रहा हूँ आप लोगों को, ये केबल ही मेन है हम लोग का ऑडियो आउटपुट कैसा होगा उसके लिए। ओके, तो ये केबल आप ज़रूर उनसे बोल लीजिएगा कि मुझे म्यूज़िक पर्पज़ के लिए स्टूडियो वायर चाहिए, मोनो स्टूडियो वायर, ठीक है? तो वो आपको ये देगा। इसका जो ये बाहर वाला शील्डिंग है कॉपर वाला, ये लगेगा आपका ग्राउंड में, मतलब जो बॉडी है हम लोग का जैक उसमें। और देख सकते हो आप जो ये साइड में निकला हुआ है लंबा सा, उसमें वो आपका ग्राउंड वायर जो है कॉपर वाला साइड में लगा हुआ वो लगेगा। और ये जो छोटा वाला है ये है हम लोग का इनपुट या आउटपुट, एक साइड इनपुट होता है एक साइड आउटपुट होता है। तो कनेक्शन कुछ ऐसे होगा, शोल्डरिंग आपको अच्छे से करना पड़ेगा, विदाउट शोल्डरिंग नहीं होगा, मैं आपको बता देता हूँ। विदाउट शोल्डरिंग आप इसको मतलब ऐसे लपेट के टेप से नहीं होगा, अच्छे से शोल्डरिंग आपको करना पड़ेगा, और शोल्डरिंग एकदम क्लीन होना चाहिए, अदरवाइज जो ऑडियो इंटरफेस है थोड़ा इधर उधर हो सकता है। तो आप देख सकते हो मैंने अच्छे से इसको शोल्डर कर दिया है, ठीक है? जो वायर है उसको मैंने अंदर से लेके गया हूँ मैं, और ऊपर से शोल्डरिंग कर दिया हूँ। तो आप देख सकते हो एक साइड मेरा रेडी है ऑडियो केबल का, और देखिए एकदम हाई क्वालिटी ऑडियो केबल जैसे ही लग रहा है, कुछ अलग नहीं लग रहा है, ठीक है? ऐसे कनेक्शन मत करना कि बस तार लगा दिया ख़त्म हो गया, वैसे नहीं होगा, आपको अच्छे से शोल्डरिंग करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पर मैंने शोल्डरिंग कर दिया है। तो आफ्टर दैट आपका ये जो केबल है बन के रेडी हो गया। 5 मिनट का काम है, बस बाज़ार से लेके जाना है 3 चीज़ें, और शोल्डरिंग आयरन आपके पास होना चाहिए, अगर नहीं होगा तो आप दुकान में जाकर भी करवा सकते हो 10-20 रुपया दे के। तो बस आपका 3 मीटर का केबल तैयार हो गया, जिसके लिए आप 700 रुपया देते हो। हे गाइस, तो मेरा ये सस्ता वाला गिटार जैक बन के रेडी हो गया है, कैमरा इधर में इधर दे, खैर मैं इधर ही दूँगा। तो बन के रेडी हो गया है, तो और अब इसको मैं एम्प में कनेक्ट करके तो दिखा ही सकता हूँ, लेकिन एम्प से ऑडियो क्वालिटी उतना समझ नहीं आता। अगर आप लोग चाहो तो कमेंट करना, मैं एम्प में भी कनेक्ट करके दिखा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसके बाद वाला जो वीडियो है उसमें मैं एक नॉर्मल ब्लूटूथ स्पीकर को कैसे गिटार एम्पलीफायर बनाते हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा इससे नेक्स्ट वाले वीडियो में, जल्दी आएगा, टेंशन मत लो। तो इस चलो अब इसको डायरेक्टली मोबाइल से कनेक्ट करते हैं यूजिंग माई सीक्रेट कॉन्ट्रैक्शन। अगर आपको जानना है ये कैसे बनता है, मतलब क्या है ये, तो कमेंट करना, मैं आपको दिखाऊंगा ज़रूर कैसे मोबाइल से या लैपटॉप से डायरेक्टली गिटार को कनेक्ट करते हैं वीडियो, या फिर मतलब गिटार का ऑडियो रिकॉर्ड करने के लिए, या फिर फॉर एनी रीज़न। तो चलो इसको डायरेक्टली कनेक्ट करते हैं और आपको दिखाता हूँ इसका ऑडियो क्वालिटी कैसा है। सो लेट्स गो। तो चलो इसको मैं आप लोगों के सामने ही लाइव इसको भी कनेक्ट करता हूँ, ठीक है? तो
अभी जो आप ऑडियो सुन रहे हो कोई माइक नहीं कुछ नहीं, कैमरा तो मोबाइल पे जो माइक्रोफोन है उससे सुन रहे हो, फैन चल रहा है सबका आवाज़ आपको आ रहा होगा, मैंने मर्जी से चलाया ताकि आप लोगों को मतलब इसका ऑडियो क्वालिटी है कैसा है, नॉइस आ रहा है बैकग्राउंड का या नहीं वो समझ में आ जाएगा, क्योंकि मतलब अगर जैक सही मतलब क्वालिटी अच्छा नहीं होगा डायरेक्ट कनेक्टिविटी में भी वहाँ कभी कभी वो नॉइस बैकग्राउंड नॉइस कैप्चर करता है, पता नहीं क्यों होता है। ज़्यादातर जिस गिटार में पीएसओ पिकअप के साथ साथ अगर आपका माइक्रोफोन होता है तो उनमें स्पेशली ये होता है, तो चलो मैं इसको कनेक्ट करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। तो पहले बैटरी गिटार आप बैठ हो इससे ज़्यादा नीचे ये बैटरी देखना ऑडियो क्वालिटी।